माइक नंबर एक पर जो भाई सवाल करना चाहे वो फौरन सवाल करें। गुड इवनिंग, आई एम प्रिंसिपल राम शिंदे रिटायर्ड। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। जैसा कि आपने अभी कहा कि हिंदू मजहब हो, इस्लाम मजहब हो या ईसाई मजहब हो, उन सब में बहुत सी समानता है, इक्वालिटी पाई जाती है, फिर भी इन मजहब को लेकर सदियों से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट और मनमुटाव क्यों? इस संदर्भ में मेरा मानना है कि यदि मजहबी आपको चाहिए तो इंसानियत, इंसानियत एंड नथिंग बट इंसानियत, दैट इज मानव धर्म, यह एक नया जमाने की नई तकाजा है। इस पर आपकी क्या राय है? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईसाइयत में, इस्लाम में, हिंदू धर्म में काफी अक्सानियत है, फिर भी संघर्ष है, हमेशा लड़ना झगड़ना। हम सिर्फ मानना चाहे इंसानियत, हम मानना चाहे ह्यूमैनिटी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं ये किताब इंसानियत किसने लिखी? क्या पाते कोई किताब जिसका नाम इंसानियत है? इस्लाम में एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। अगर मुस्लिम अच्छा इंसान नहीं तो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि स्कूल 10th स्टैंडर्ड पास करो, मैं कह रहा हूं ग्रेजुएशन करो। तो इंसानियत इज 10th स्टैंडर्ड, इस्लाम इज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एकदम। इस किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं जानता हूं कई दुश्मन इस्लाम, क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ने किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि उन्हें इस्लाम का इल्म नहीं है। कुरान मजीद की एक भी आयत आप मुझे दिखा नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसानियत के बारे में कह रहा है। आप अगर जाएंगे कोई जंगल में और आप फल खाना चाहते, आपको पता नहीं कौन सा फल जहरीला है क्या नहीं, तो आप पूछेंगे ना किससे? किससे तो पूछेंगे भाई कौन सा जहरीला है क्या नहीं। आप खुद अगर कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आप गलत फल खा के मर जाएंगे। आप जब बीमार होते जाते डॉक्टर के पास, सही? तो इसी तरीके से अल्लाह सुबहाना व तआला, खुदा ने इंसानों को बनाया है। खुदा से बेहतर कौन जानता है जिंदगी किस तरीके से जीना चाहिए? खुदा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, सारे डॉक्टर को इकट्ठा करेंगे, उससे बड़ा डॉक्टर है हमारे बनाने वाला। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा खुदा किस तरीके से जिंदगी हमें चाहता है कि गुजारे। तो मैं ये कहता हूं कि आप कम से कम ये मानिए कि एक किताब, कम से कम एक किताब खुदा की तरफ से 100% सही है। हिंदू कहेगा मेरी वेदा खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल, मुस्लिम कहेंगे कुरान। फिर मैं कहता हूं जो चीज इन तीनों किताबों में यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करो। जो इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ होते, मैं नहीं कहता हूं कि सारी चीजें यकसा है, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो, कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। जितने अहम मजाहब है दुनिया में, सब में लिखा है कि खुदा एक है, बुत परस्ती हराम है, पैगंबर आने वाले है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दुनिया एक इम्तिहान है आखिरत के लिए, कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। कम से कम हम आज वादा करें कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करे, एक खुदा की, बुत परस्ती ना करे, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने। सैकड़ों हवाले है वेदा में जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, बाइबल में भी लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कम से कम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानो, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो। इस तरीके से कम जो हमारा बनाने वाला, हमारा खुदा हमसे चाहता है, यही सही इंसानियत है। मैंने तस्करा किया था, वेदा में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, शराब मत पियो, शराब मत पियो क्यों? अभी डॉक्टर क्या कहता है? छोड़ो, हमारा बनाने वाला जानता है शराब पी जाएंगे तो आप भाग जाएंगे,
गलत काम करेंगे आपको इतने बीमारियां होंगे, सिरोसिस ऑफ लिवर, कैंसर ऑफ द एसोफेगस, कैंसर ऑफ द लिवर, डैमेज ऑफ द ब्रेन, सैकड़ों बीमारी होते। तो जब हमारे बनाने वाला कह रहा है वेद के अंदर, बाइबल में, कुरान में, शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, झगड़ा क्या इसमें, तो भी लोग शराब पीते। तो मैं ये कहता हूं जो यकसा है, सबसे अहम यकसानियत खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानो और उसका कहना मानो। इतना अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया से नफरत हट जाएगी और सिर्फ अमन रहेगा।